आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ाने से थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, क्योंकि पहली बार जब हमने एक वीडियो बनाया था जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, तो जो उसका रिस्पांस देखा तो मुझे लगा कि नहीं, आप कन्वर्सेशन में आ रहे हो तो मेरी थोड़ी हिम्मत बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ते में या 7 दिन के अंदर अंतराल पे कुछ ऐसा करेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड ना होगे, आपको गाइडेंस प्रॉपर होगा। आज क्या कर रहे हैं, टॉपिक देख लेते हैं। लिखा है कि आर यू रेडी बिगिन विद मारूला। एक्चुअली एक क्या है कि मैंने बोला है कि मारूला क्लासेस के चैनल का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट केवल एडवर्टीजमेंट और लोगों से जुड़ने के तक का था, मगर जो बार बार आपका रिकमेंडेशन आ रहा है, बार बार आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सीरियस हैं। तो आज ये वीडियो का केवल ये मोटो है कि आप कल क्या करेंगे, जब भी वीडियो आपका ये पोस्ट होता है, तो जो लोग रेगुलर मावला क्लासेस को पढ़ रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग वहाँ पे एक बार कमेंट करेंगे। जो लोग भी मावला क्लासेस के साथ बिगिन विद हैं, मतलब वो अपने नाम के साथ, तो मोबाइल नंबर नहीं देंगे, कोई जीमेल नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, हो सकता है कि आपके नंबर को, आपके जीमेल को, आपके डेटा को लेके आपको परेशान करें, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं है मेरी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपके कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ जीमेल अपना शो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बोलना है कि नहीं, वहाँ पे मैं मावला के साथ या मावला के साथ बिगिन करना चाहता हूँ। इसका एक मोटो है कि हम चाहते हैं कि मतलब देखें कि कितने लोग हैं जो वीडियो से, टास्क सीरीज से या असाइनमेंट डिस्कशन से या जो हमारे खुद के नोट्स हैं, इन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं, डिजर्व करते हैं। तो हम उनकी लिस्टिंग करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आपको कैसे करना, कैसे जुड़ना है। बिल्कुल मैं रियल में बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ और असाइनमेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं था कि ये बाहर जाएँ, बाहर इन द सेंस मुझे लगता है कि सब बाहर ही हैं, बट जब मारुला क्लासेस से जब इतना ज़्यादा आपका जुड़ाव हुआ है, तो मुझे लगने लगा कि मेरी एक दुनिया और बन गई है। ठीक है, एक चैनल भी हमारा एक खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने बिल्डअप किया है, तो जो आपने लगाओ यहाँ पे दिखाया है और जो प्यार दिया है मुझे, वाकई में मुझे नहीं लगता था कि लोग इतना ज़्यादा जुड़ेंगे। जब मैं अपने व्हाट्सएप को देखता हूँ तो लोगों की रिकमेंडेशन और उनके मैसेज पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार टच कर जाते कुछ मैसेज मुझे। तो मैंने एक अपना खुद का एक पॉलिसी बना के रखा था कि अपने असाइनमेंट्स और अपनी, मैंने, आप देखेंगे तो मावला टेस्ट मैंने शुरू किया था, मैंने उसको बंद कर दिया था। आज मैं विचार कर रहा हूँ आपके लगाव, आपके प्यार की वजह से। बस आप थोड़ा सा जब भी आप हमसे जुड़े, मावला क्लासेस से जुड़ चुके हैं, जुड़े बट थोड़ा ऑनेस्टली जुड़ना, क्योंकि मैं मावला क्लासेस को बहुत ही अपने से कई गुना ऊपर मानता हूँ। ये कुछ बताने वाली ज़रूरत नहीं है, जो लोग यहाँ पर हैं आप भी जुड़ जाएंगे तो आप जान जाएंगे, तो इसको कभी स्पॉइल ना करें, किसी भी गलत चीज़ों को गलत हाथों पर ये चीज़ें ना पड़ने दें। तो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे, ठीक है? हम ना ही हंगामे पे विश्वास करते हैं, ना ही दिखावे पे विश्वास करते हैं, ना ही ये बोलते हैं कि आप कहीं और ना देखें। जो भी जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिले, कोई भी चीज़ अच्छी लगे, कहीं पर भी आपको कुछ कुछ दे रहा हो तो आप उसको ज़रूर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा केवल मेरे से जुड़ाव, ऐसा कैसे जुड़ाव, मैं ऐसे तरीके एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि मेरे से जुड़ाव रखो। अरे आप माँ से भी टच रहते हैं, बाप से भी टच में रहते हैं, सिस्टर से रहते हैं, फ्रेंड से भी टच में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो कोई एक से कोई ऐसे जुड़ पाएगा? तो मैं इस तरीके की फर्जी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ कि आप मुझसे ही जुड़े, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। मगर जहाँ भी मिले आप लीजिए, बट आप रिस्पेक्ट से लीजिए, चीज़ों को स्पॉइल मत करिए। मामला क्लासेस से जुड़िए तो यहाँ पर फेस बरकरार रखिए, आप कहीं पर भी कुछ भी करें, आपको पढ़ना उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन लेना सबसे ज़्यादा प्रियोरिटीज़ है, कैसे भी मिलनी चाहिए। मैंने अपना सिलेक्शन लिया था तो मैं टीचर के पास जाता था, बुक से करता था, अपने आप फड़ मारता था, ये ज़रूरी है? मुझसे जुड़ के क्या मिल जाएगा आपको अगर सिलेक्शन नहीं लिया? सिलेक्शन आपका उद्देश्य है, वो होना चाहिए, बट अगर हम उससे आप जुड़ेंगे तो एक कमिटमेंट करें कि हमारे लिए, मावला क्लासेस के लिए हॉनेस्ट रहेंगे। तो जो लोग अगर ऑनेस्टली आगे बढ़ना चाहते तो आप इस वीडियो के साथ कमेंट करेंगे, अगर नंबर आप ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली कुछ सोच रहा हूँ और कुछ दिन बाद इसका इफेक्ट आएगा। जो आपने प्यार दिखाया तो मैंने कुछ सोचा है, और हाँ आपने देखा होगा कि कुछ टॉपिक मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनके बारे में बताएं कि वेक्टर के जो क्वेश्चंस दिए थे और कोऑर्डिनेट के जो क्वेश्चंस दिए कैसे लगे आपको, क्या वो सही है? तो मैं उस तरीके आगे बढ़ूंगा। आपका लगाव, आपका रिफ्लेक्शन, आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है। अगर आप मुझे हमारे मन मोटिवेटेड हो जाएंगे तो कैसे करेंगे? तो आप सोचिए कि मैं मोटिवेट रहूँ, ये ज़रूरी है। चलिए थैंक यू, यहीं तक आप रखते हैं।